कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन कोरमा की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, इसको अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पे धो के रख दिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। इसको हम मैरिनेट करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी अभी स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड करेंगे हम, और थोड़ा सा दही ऐड करेंगे हम। इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो दही भी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे हम इसमें। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अच्छे से चिकन के पीसेस को सारा जो ये दही ब्लैक पेपर नमक ये अच्छे से लग जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको 15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप 30 मिनट भी रख दीजिए, मुझे जल्दी है तो मैं 15 मिनट रख रही हूँ। तो 15 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे मैं पैन में ऑयल ऐड कर रही हूँ। अभी इसमें हम ऐड करेंगे छोटी इलायची, फूल, तेजपत्ता, दालचीनी, 7-8 मीरे, 2 लौंग, ये सब ऐड करेंगे हम। मुझे तेजपत्ता कम लग रहा है तो मैं थोड़ा और ऐड करूँगी अभी इसमें। तो यहाँ पे मैंने तेजपत्ता भी थोड़ा और ऐड किया है। इसको अच्छे से भूनेंगे 1 मिनट तक। अभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियन का जो पेस्ट बनाया है वो ऐड करेंगे। इसको हमें डार्क नहीं करना है क्योंकि ये वाइट ही दिखना चाहिए कोरमा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको वाइट ही करना है तो आप इसको जलाए नहीं, ब्राउन ना करें। अगर आपको चलेगा थोड़ा सा ब्राउन, वाइट नहीं करना है तो आप बना सकते हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट हमने अच्छे से कुक कर लिया है। अभी हम इसमें मैरिनेटेड जो चिकन है हमारा वो इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 3 ग्रीन चिली इसमें ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए क्योंकि हमने इसमें सारे मसाले तो ऐड नहीं किए हैं। तो ये वाइट वाला है तो इसमें हम थोड़ा सा मिर्ची, थोड़ा सा मिरे, इसी से इसको स्पाइसेस का सब मिल जाएगा, तीखापन आ जाएगा उससे। तो यहाँ पे मैंने 3 ग्रीन चिली ऐड किया है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करने देंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो सोच समझकर नमक ऐड कीजिए क्योंकि हमने मैरिनेटेड करते वक्त भी नमक ऐड किया है। तो अभी आप ध्यान से नमक ऐड करिए, ज़्यादा ना हो जाए। अभी इसको अच्छे से मिक्स करें।
तो यहाँ पे अब मैंने जो काजू और हरी मिर्च का जो पेस्ट मैंने बनाया है वो इसमें ऐड करूँगी मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपके ऊपर है, आप अगर आपको ऐसा पसंद है तो आप ऐसा करिए, और अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है, आपके अकॉर्डिंग आपको जितनी थिक चाहिए, जितनी पतली ग्रेवी चाहिए आप ले बना सकते हैं, पानी ऐड कर सकते हैं आप। अभी हम इस चिकन को 5 से 10 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 5 से 10 मिनट होने के बाद हम इसका लिड ओपन करेंगे और इसको चेक करेंगे कि नीचे लगा है कि नहीं लगा है। तो इसको हमें स्टर करते रहना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क क्रीम, आपको ज़्यादा ऐड करनी है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, आपको कम ऐड करनी है आपके ऊपर है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। इसके बाद हम ऊपर से कसूरी मेथी ऐड करेंगे, इससे भी काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमारा चिकन कोरमा रेडी हो चुका है। अगर आपको पतली ग्रेवी चाहिए पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चिकन कोरमा पूरा रेडी हो चुका है, आप इस समय गैस ऑफ करके सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा ड्राई चाहिए, इसमें ग्रेवी नहीं चाहिए, तो ये मैं थोड़ा ज़्यादा कुक कर रही हूँ ड्राई होने तक। 5 मिनट के लिए और मैं इसे कुक करूँगी और उसको ड्राई होने दूँगी अच्छे से, मतलब इसमें थोड़ा सा भी ग्रेवी नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा नाम के लिए बस। तो मैं इसको और थोड़ा कुक करूँगी। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप ज़्यादा कुक ना करें, आप जब कसूरी मेथी ऐड करेंगे तभी आपका डन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि पहले ही मेरा हो चुका है, लेकिन मैं सिर्फ ड्राई होने के लिए इसको रख रही हूँ, मतलब इसका पानी पूरा सूख जाना चाहिए। तो इसको मैं 5 मिनट के लिए कुक कर रही हूँ। देखो मुझे ऐसे ही चाहिए था, तो इतना मैंने कुक किया है। तो ये हमारा चिकन कोरमा रेडी है, आप भी बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है, नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ऐसी नई वीडियो के साथ, रेसिपी के साथ मैं आपको मिलती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।